आज की इस ऑडियंस में उपस्थित, अभी आपने कर्नल दत्ता को सुना, चौहान साहब, अहलावत साहब और इंडस स्कूल के प्रिंसिपल, जेनेसिस स्कूल के सभी सदस्य और मेरे सामने बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और शहर के सभी सम्मानित सज्जनगण, आपके सामने जो विषय रखा गया है, मैं समझता हूं कि आज के समय के लिए इससे ज्यादा बर्निंग टॉपिक कोई नहीं। इस समय पूरे कंट्री में जो माहौल है और जिस तरह से मीडिया में, अखबारों में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस तरह से डिप्रेशन में आकर के सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं जिंदगी में फेल्योर की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसका रिजल्ट हो रहा है कि समाज में एक असमानता फैलती जा रही। सबसे बड़ी चीज है कि आज यहाँ पे हम उस जगह पे खड़े हैं कि हर परिवार में एक या दो बच्चे होते हैं। पेरेंट्स की एम्बिशंस बहुत होती हैं और बच्चों की भी एम्बिशंस बहुत होती हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एम्बिशंस हमारी उस लेवल की होना चाहिए कि जो हमको पॉजिटिव लेवल पे ले जाए, सकारात्मक लेवल पे ले जाए। हमारे यहाँ कहते हैं कि मनुष्य को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। मैन शुड बी एम्बिशस, क्योंकि एम्बिशंस नहीं तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ही शुड नॉट बी ओवर एम्बिशस। अति महत्वाकांक्षी नहीं होता है, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी होगा तो कहीं ना कहीं वो फेल्योर का रास्ता देखेगा। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल आपको दे रहा हूं। आप रास्ते में जा रहे हो, आपको 5 फुट का एक नाला मिलता है, जंप मार के क्रॉस कर लिया, यू अचीव द टारगेट, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। फिर आपको और थोड़ा आगे जा रहे हो, आपको 10 फुट का नाला मिल गया, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की कि बांस का लग्गा लिया, बीच में डाला और जंप मार के उस पार चले गए। यहां भी आपने टारगेट अचीव कर लिया, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। थोड़ा आगे गए, आपको जो है 20 फुट का नाला मिल गया, अब उसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं, बांस के लग्गे से भी नहीं कर पा रहे। यदि उसको अटेम्प्ट करोगे तो क्या होगा, उस डिप्रेशन में डिप कर जाओगे। तो टारगेट वो रखो जिसको अचीव कर सकते हो, टारगेट वो ना रखो कि जो अचीव ना हो पाए। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि मनुष्य को एम्बिशस होना चाहिए, लेकिन ओवर एम्बिशस नहीं। तो पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहां ये है कि बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स ज्यादा एम्बिशस हो रहे हैं। बच्चों को जो है टारगेट पेरेंट्स कहते हैं कि 99%, 100%, 95% मार्क्स चाहिए। मैं समझता हूं कि लाइफ का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो ये परसेंटेज है, ये सिर्फ 10% जीवन में काम आती है, 10% जीवन में काम आती है, 90% आपको जीवन में अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन और इंडिपेंडेंट वे ढूंढना पड़ता है। और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, बिल गेट्स कहता है कि मैं हमेशा थर्ड रेट रहा पढ़ाई में, हमेशा थर्ड रेट रहा, लेकिन जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स टॉप करते थे, आज वो मेरी कंपनी में काम करते हैं, आज वो मेरी कंपनी में काम करते हैं। तो 99% 100% वाला बिल गेट्स नहीं था, तो वो एम्बिशंस नहीं थी, लेकिन एम्बिशंस थी कि एक आइडियल पर्सनालिटी हम डेवलप करें। हमारे यहां कहते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी होना चाहिए द सम टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मैंने बताया शिक्षा का जो रोल है वो 10% है, 90% जो है चीजों में बाकी आ जाते हैं कि आपका दायित्व समाज के प्रति क्या है, आपका दायित्व अपने माता पिता के प्रति क्या है, आपका दायित्व अपने गुरु के प्रति क्या है, आपका दायित्व इस पर्यावरण और प्रकृति के प्रति क्या है, आपका दायित्व अपने जो है फ्रेंड सर्किल में क्या है, फिर आपके लाइफ के टारगेट्स क्या है। अल्टीमेटली आप 20 साल 25 साल तक एजुकेशन में रहेंगे,
डिग्रियां सब हासिल कर लिया, वापस इसी समाज में आना है, जीना इसी समाज के अंदर है। तो जो सॉलिट्यूड लाइफ अकेले आप एजुकेशन में जी रहे हैं और समाज के साथ नहीं थे, तो फिर समाज में मिक्सअप नहीं होंगे, न समाज आपको मिक्सअप कर पाएगा। इसलिए बहुत से बच्चे सॉलिट्यूड लाइफ में चले जाते हैं। और जो एजुकेशन की बात हम कह रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य है कि हम बच्चे की पर्सनालिटी को पूरा जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करें, और उस व्यक्तित्व के विकास में दो चीजें आती हैं, एक तो बच्चा जो है शारीरिक रूप से पूरा स्वस्थ रहे और दूसरा है मानसिक रूप से एक्टिव एंड अलर्ट रहे। अब ये दोनों महत्वपूर्ण काम है, और ये दो महत्वपूर्ण काम कौन करता है? बच्चे को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना किसका काम है? मैं समझता हूं मां से बड़ा कोई अपने बच्चे का ख्याल रखने वाला आज दुनिया में नहीं है। यदि माँ अपने बच्चे को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे, सही समय पे उसके सोने का टाइम, जो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक वो मेंटेन होनी चाहिए, सही समय पे उठना, सही समय पे भोजन, शुद्ध भोजन, जो आजकल कार्सिनोजेनिक हम ये खाना खा रहे हैं, जंक फूड, जो ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये आपके शरीर का स्वस्थ रख सकते हैं? बच्चा जो इस अपने आप को डेवलप कर सकता है? जो हम अपने बच्चे में चाहते हैं क्वालिटी, अभी असंध में एक फंक्शन था स्पोर्ट्स का, उसमें मैं गया था, वहां पे मैंने उसे यही चीजें बताई कि बच्चे में क्वालिटी क्या चाहिए। वहां पे 3S की बात कर रहे, मैंने कहा 3 नहीं 4S है, एक तो स्पीड, दूसरा स्टेमिना, तीसरा स्ट्रेंथ, चौथा स्किल। ये बच्चे में 4 क्वालिटी चाहिए। जब ये 4 क्वालिटी होंगे तो वो बच्चा हमेशा सक्सेस की तरफ जाएगा, और ये क्वालिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन की तरफ जाएगा। और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि एक आदर्श विद्यार्थी के क्या लक्षण है, एक आदर्श विद्यार्थी के क्या लक्षण है? काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथा स्वल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, कौए की तरह, कौआ जिस चीज को एक बार देख लेता है, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेता उस जगह को नहीं छोड़ता। अब बको ध्यानम बगुला, पानी के अंदर भी मछली छुपी है तो पानी के अंदर से भी वो मछली को निकाल लाता है, इतना उसका जो है गहरा ध्यान होता है। स्वान निद्रा, कुत्ता जो है 100 गज दूर से आप आओगे तो आपके पदजाप को सुनकर के एक्टिव एंड अलर्ट हो जाता है। स्वल्पाहारी, कम खाने वाला, ज्यादा आपने खाना खा लिया आपको आलस आएगा, आप सो जाओगे, शिक्षा कहां पढ़ो। गृहस्थ त्यागी, घर की चीजों में उलझना नहीं, घर में तरह तरह की परेशानियां होती हैं, यदि बच्चों को लग गया कि आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज पैसा नहीं है, आज इससे झगड़ा हो गया, आज वहां खेत में जाना, आज वहां ये काम करके आना है, तो फिर वो शिक्षा नहीं ले सकता। इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, क्योंकि घर में रहेगा तो घर की बहुत तरह की परिस्थितियां होती हैं, यहाँ तक कई जो है घर में पेरेंट्स के आपस के रिलेशन स्ट्रेंड होते हैं, फैमिली के रिलेशन स्ट्रेंड होते हैं, तो बच्चा उस परिस्थिति में नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं गृहस्थ त्यागी होना चाहिए। तो ये 5 लक्षण है एक आदर्श विद्यार्थी में। तो हमको अपने बच्चे को आदर्श विद्यार्थी बनाना है, और आदर्श विद्यार्थी होगा तो क्या करेंगे कि उस बच्चे में हमको कुछ जो है चरित्र का निर्माण करना है। और चरित्र का निर्माण कैसे होता है कि विद्या ददात विनयम विनयाद यादि पात्रताम। विद्या जो है विनम्रता को देती है, और विनम्र व्यक्ति ही समाज का आदर्श पात्र बनता है, इसलिए हम विद्या ग्रहण करते हैं, इसलिए बच्चे को हम शिक्षा देते हैं। इसलिए नहीं देते कि सिर्फ स्कूल में जाओ, रट्टा मारो, 99% नंबर ले आओ और कोई नौकरी पा लो, जीवन का लक्ष्य समाप्त हो गया। वो बुकिश नॉलेज है, वो एक आदर्श विद्यार्थी का नहीं, ना एक आदर्श समाज का वो लक्ष्य है। आदर्श समाज का जो लक्ष्य, आदर्श विद्यार्थी का लक्ष्य बहुत अलग है। तो इसलिए विद्या जो है आपको विनम्रता देती है। और हमारे यहां कहते हैं कि अयम निज चरैवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू सर्व वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को वसुंधरा का नारा किसने दिया है? भारत ने दिया है। भारत आज इसलिए आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, पूरे विश्व में जितने प्रचारक, जितने ज्ञान को जो है बांटने वाले,
भारतीय हैं, दुनिया के किसी देश में नहीं। इसलिए हम लोग आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। और आज हम अपने कंट्री में उसकी कमी पा रहे हैं, विदेशों में जाके हम ज्ञान बांट रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो इसलिए हमको उदार चरित्र आना बढ़ना पड़ेगा, तभी जो है हम सबको अपना पहचान सकते। और जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तभी जो है हमारा जीवन जो है सफल होता है। और इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि विद्या जो धन है, दुनिया का सबसे प्रधान धन है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। क्योंकि दुनिया के जितने धन हैं वो चुराए जा सकते हैं, भाई बहनों में बट सकता है, खर्च करोगे घट जाएगा, लेकिन विद्या धन एक ऐसा धन है, न चोर चुरा सकता है, न लुटेरा लूट सकता है, न भाई बहनों में बट सकता है, न बांटने से घट सकता है। जितना विद्या धन बांटोगे उतना आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए सबसे प्रधान धन विद्या है, इसलिए हमारे यहाँ विद्या को महत्व दिया गया है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जब आप विद्या प्राप्त करोगे तभी जीवन का आनंद लोगे। और जीवन का आनंद तभी मिलेगा जब आप उस ज्ञान को अपने समाज में, अपने उसमें जो है यार दोस्तों के साथ बांटोगे। तो विद्या धन को अर्जन करना है तो आपको बहुत चीजें छोड़नी पड़ेगी। हमारे यहां एक संस्कृत में और श्लोक है कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति को कभी विद्या नहीं मिलेगी। जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है। मित्र तभी आपका कोई बनेगा जब आपके पास पैसा होगा। यदि पैसा नहीं तो कोई आपका मित्र नहीं बनेगा, सब छोड़ के भाग जाएंगे। और मित्र नहीं है तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं होगी। क्योंकि खुशी जो है मित्र में मिलती है, परिवार में नहीं। परिवार में आपकी बहुत सी बंदिशें हैं, बहुत सी सीमाएं, हर चीज, हर प्रॉब्लम, हर कष्ट आप अपने माता पिता भाई बहन से नहीं कर सकते शेयर। लेकिन मित्र एक ऐसा होता है जिसके सामने कुछ भी बोल सकते हो, कोई सीमाएं नहीं। इसलिए खुशियां हमेशा मित्र में मिलती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये चीजें जो बताई गई हैं, एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसके जीवन के लक्ष्य को, टारगेट को रखने के लिए बताया गया है। पाने का एक ही फॉर्मूला है कि ऑलवेज जनरेट पॉजिटिव एनर्जी, ऑलवेज रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी। और लाइफ के जो लक्ष्य हैं वो हमारे निश्चित होना चाहिए। लाइफ के लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए कि जिनको हम प्राप्त न कर सकें, लक्ष्य वो होने चाहिए जिनको कि हम प्राप्त कर सकें। और इस यात्रा में, इस जर्नी में आपके माता पिता का, आपके परिवार का, आपके शिक्षकगणों का, सबका महत्वपूर्ण योगदान है। यदि सब अपनी सही ड्यूटी निभाएंगे तो मैं समझता हूँ सक्सेस को पाएंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर इंडस वैली स्कूल का और जेनेसिस का कि इन्होंने बुलाया और आप लोगों से मेरी गुरु हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।